गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन चैप्टर इज कम्प्लीट जस्ट अंडरस्टूड बाय यू आई नो एंड यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस आल्सो जस्ट टुडे आई एम हियर टू रिकैपिचुलेट द आंसर सम क्वेश्चन आंसर्स ओके नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वाई 82.30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द मेरिडियन मेरिडियन द अदर नेम ऑफ मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड ओके एज फॉर द होल वर्ल्ड देर इज वन स्टैंडर्ड देर इज वन मेरिडियन मीन्स सेंट्रल मेरिडियन दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन इन द सेम वे द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ इंडिया इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ओके वाई दिस 82.30 degree east has been selected. Now the answer is 82.30 degree east has been selected as the standard meridian of India because it is situated in the center of all longitudes and latitudes in which our country is located. Okay. Now our second question is why is the difference between the duration of day and night? हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी नॉट सो इन कश्मीर बेटा हिंदी में मतलब है कि जो ड्यूरेशन होता है डे एंड नाइट का कन्याकुमारी में वो क्यों नहीं है ज़्यादा मतलब बराबर क्यों है डेज डे टाइम भी और नाइट टाइम भी और कश्मीर में नाइट्स बड़ी और डेज छोटे क्यों हैं आंसर इसका ये है द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बिकॉज इट इज़ नियर टू द इक्वेटर और आपको पता है इक्वेटर के नज़दीक क्योंकि सन वहाँ पर डायरेक्ट है तो वहाँ पर जो भी एरियाज होते हैं वहाँ पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होती है एंड एज इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज सो देयर वोंट बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट बट कश्मीर इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर सो सन रेज आर स्लांटिंग देयर एंड दैट इज वाई There is a big difference of days and nights in Kashmir. So I think the answer is clear to you. Let's move. Now our next question is the number of union territories along the western and eastern coast. Okay, you know that there are how many union territories now? There are how many? You will write all the names of union territories. One more union territory has been increased but here we are just writing along the coast so first of all let's see union territories on the western coast of India are Diu and Daman Dadra and Nagar Haveli and Pondicherry Mahe one part of Pondicherry and Lakshadweep islands okay means how many Diu and Daman one Dadra Nagar Haveli two Pondicherry, one part is there, and Lakshadweep. Then Union territories on the eastern coast of India, again Pondicherry, main Pondicherry, and Andaman and Nicobar. So total 5. You need not to write Mahe in western coastal part. Only 3, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, and Lakshadweep. And in west as eastern Pondicherry and Andaman and Nicobar. And 3 are there upside. One Chandigarh is there, one New Delhi is there, and one more you will write the name because it has been announced as a union territory very recently. So you will write the name. Now, which is the area-wise smallest and largest state? Largest state is Rajasthan and smallest state is Goa. Now, next question is the state which do not have an international border. और लाई ऑन द कोस्ट अब इंडिया के टोटल स्टेट्स में से कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज से जिनकी बाउंड्री नहीं मिलती या फिर वो कोस्टल एरियाज नहीं हैं एंड द नेम्स आर हरियाणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड एंड तेलंगाना ओके नाउ वन मोर पॉइंट क्वेश्चन वॉज देयर इट इज फ्रॉम इनसाइड Classify the states into 4 groups, each having common frontier with. अब चार चार हमें states, सभी states के नाम लिखने हैं जो पाकिस्तान के साथ जो जो states connected हैं चाइना के साथ म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ First, states having common frontier with Pakistan are
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, फोर स्टेट्स. नाउ स्टेट्स हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद चाइना आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. नाउ स्टेट्स हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद म्यांमार आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. नाउ स्टेट्स हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद बांग्लादेश आर मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात. आपको पता है अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और गुजरात वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है. बट दैट वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन वॉचेज में तो सेम टाइम दिखता है. हाउ डज इट हैपन? फॉर एग्जाम्पल कि गुजरात अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज निकलता है, तो वहाँ पर तो नहीं निकला था गुजरात में. तो गुजरात में जब सूरज निकला 2 घंटे के बाद, तो वहाँ पर तब 5 बजने थे. लेकिन सब जगह की वॉचेज सेम टाइम देती हैं. हाउ डज इट हैपन? नाउ लेट्स सी. बिकॉज द लॉन्गिट्यूडनल गैप, आपको अभी हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ा था बेटा, द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 30 degrees. एंड ड्यू टू दिस देर इज अ टाइम लॉग ऑफ अबाउट 2 hours. 2 hours का टाइम लॉग पड़ता है, ड्यूरेशन पड़ता है बिटवीन दीज स्टेट्स. सिंस मीन्स बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज इन द ईस्ट, हैंस द सन राइजेज अर्लियर हियर एज कंपेयर टू गुजरात. एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने 82.5 degrees लिया था, इज टेकन फ्रॉम द टाइम, हमने वहाँ से टाइम लिया है ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन. हैंस द इन वॉचेज शो द सेम टाइम इन बोथ द स्टेट्स. ओके बेटा, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन. हमारा जो इंडिया है इंडियन ओशन के बिल्कुल सिर के ऊपर बैठा है, इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और इसका बहुत महत्व है. वाई? ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर. द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. स्ट्रेटेजिक मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी और वेरी यूनिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस मीन्स ट्रांसपोर्ट. इंडियन ओशियन रूट, उससे ट्रांसपोर्ट होता है, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स होता बेटे घुसा होना, अंदर घुसना, इन टू द इंडियन ओशियन एंड विच हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. इसका मतलब मीनिंग समझाती हूँ कि जब डेक्कन पेनिनसुला इंडिया में अंदर इंडियन ओशन में घुस गया, तो दोनों तरफ से उनको क्या मिल गए, सी पोर्ट बनाने का मौका मिल गया, जिससे ईजिली ट्रांसपोर्ट हो गया और ट्रेड हो गया इन कंट्रीज के साथ. थर्ड, द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज. वही, क्योंकि कोस्ट लाइन होगी बहुत बड़ी जो आपने पिछला पार्ट पढ़ा है, और इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स बन गए, पोर्ट बन गए. पोर्ट होते बेटे आर्टिफिशियल और हार्बर होते नेचुरल. इट हैज़ गिवन इंडिया ए डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इससे पूरे इंडिया को एक बिल्कुल अलग तरह का ही क्लाइमेट मिल गया है जो कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है. सो इंडिया हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंस एट द एंड हेड ऑफ इंडियन ओशियन. ओके, आई थिंक द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. नाउ यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स, एंड यू विल राइट ऑल द आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके, नाउ थैंक यू फॉर द डे. ओके, हैव अ नाइस डे.